आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है सबवे सैलेड। ये काफ़ी टेस्टी है, हेल्दी है, तो आइए मैं शुरू करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये कैबेज को काट लिया बारीक बारीक बिल्कुल। ये मैंने अनियन काट के रखा था, इसको आप किसी भी थोड़े शेप में ऐसे गोल गोल मैंने काट लिया था, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये लेट्यूस के पत्ते हैं, तो ये कैप्सिकम के भी मैंने बारीक बारीक टुकड़े कर लिए थे। ये टमाटो है, ये स्वीट कॉर्न है जिसको मैंने इसको मैंने हल्का सा एक दो मिनट पानी में बॉइल कर लिया था। और ये खीरा है, मैं इसमें ये ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स डाल रही हूँ थोड़े थोड़े। हमने सारा ग्रीन वेजिटेबल पूरी तैयार हो गई है, अब इसको टेस्टी बनाने के लिए हमने ये मैं डालना शुरू करूँगी, वो मैं बताती जाती हूँ आपको। ये मैंने वेज मेयोनीज ली है जो उसमें डालने के लिए, ये मैं चिली मेयोनीज डाल रही हूँ, ये थोड़ा सा कम देख के डालना क्योंकि ज़्यादा चिली ना हो जाए इसलिए। ये पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस है, ये डाल रही हूँ, ये मैंने एक चम्मच भर के डाला है पूरा। ये मैंने मस्टर्ड सॉस ली है, आप देख लीजिए। ये साउथ वेस्ट सॉस है, अगर आप इसमें से कुछ कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं अपने, और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से मिला दिया है और अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। अब हमारी सैलेड बिल्कुल तैयार हो गई है खाने के लिए, तो इसमें जो सॉसेस डली हैं वो आगे भी कई चीज़ों में काम आ जाती हैं। तो अगर बाज़ार में हम यही सैलेड लेते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, तो घर में ये काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।